तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो इसमें कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ़ द ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप डिपेंड अपॉन द रेडियस आर ऑफ़ द ड्रॉप देखो रेडियस आर ऑफ़ द ड्रॉप डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप एंड सरफेस टेंशन पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मैं फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन ही लिख देता हूँ ना तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू रेडियस आर की पावर ए डेंसिटी रो की पावर बी और सरफेस टेंशन एस की पावर सी दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों साइड में डायमेंसन रखता हूँ फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी की डायमेंसन क्या हो जाएगी डायमेंसनल फार्मूला ऑफ डायमेंसनल फार्मूला तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ़ फ्रीकवेंसी फ्रिक्वेंसी की हो जाएगी वन अपन टाइम पीरियड देट इज टी की पावर माइनस वन रेडियस आर क्या है मीटर है तो रेडियस का ईल हो गया ठीक है ना ये बड़ा वाला ब्रेकेट लगाते हैं डेंसिटी रो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम मास का कैपिटल एम हो गया वॉल्यूम का हो गया एल की पावर क्यू तो एम एल की पावर माइनस क्यू तीसरा बचा क्या सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू रट्टा माल लिए हो गए और लेंथ का एल तो यह आ जाएगा एम और टी की पावर माइनस टू दैट इज द सरफेस टेंशन तो बेसिकली अभी क्या के निकल गया है सभी का हमें डाइमेंशनल फार्मूला इसका इसका और का लेंथ का और डेंसिटी का सब पता है ये सब क्या करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो अगर मैं इनको सबको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी भाई तो फर्स्ट में पुट करूंगा तो ये इक्वेशन ऐसे दिखेगा इधर बचेगा टी की पावर माइनस वन और इधर बचेगा रेडियस एल की पावर ये बड़ा वाला ब्रैकेट ए लगा देता हूँ डेंसिटी रो इधर निकाले हो एम एल की पावर माइनस थ्री और ये ऊपर पावर बी है और सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एम टी की पावर माइनस टू और ये रहा सी तो अब इनको सॉल्व करो तो अब इसको बेसिकली अगर मैं सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले इधर देखो इधर रहा एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो और टी की पावर माइनस वन मतलब जो नहीं है उसका पावर जीरो इधर बचा एल की पावर ए और कहीं L है हाँ जी बिल्कुल है तो एल की पावर ए माइनस यहाँ थ्री बी यहाँ पर एल है ना भाई यहाँ पर भी तो एल है ये वाला एल आया समझ में तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये जो एल है तो ये ए रहा एल की पावर उसी तरह से एम की पावर तो एम की पावर यहाँ पर बी है और इधर एम की पावर है सी तो जुड़ जाएगा पावर सी तो एम की पावर बी प्लस सी टी की पावर देखो तो टी की पावर भाई इधर ए की है माइनस टू सी दैट इज ये अब इसका दोनों साइड कंपेयर कर दो एम का एम के साथ पावर का कंपेयर कर दो और एल का एल के साथ कंपेयर कर दो और टी का टी के साथ पावर का कंपेरिजन कर दो ठीक है तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ तो मुझे ए बी सी की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी प्यारे बच्चों ठीक है तो यहाँ से एल की पावर जीरो है मतलब ए माइनस थ्री बी देट इज इक्वल टू जीरो मतलब यही इक्वेशन ये यह बना कि ए की वैल्यू थ्री बी के बराबर है और एम की पावर जीरो है मतलब बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि बी इज इक्वल टू माइनस सी के इक्वल हो जाए और यहाँ से माइनस टू सी की वैल्यू माइनस वन के इक्वल है तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू तो c की तो वैल्यू अगर वन बाई टू आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो b की वैल्यू माइनस टाइम c है तो माइनस वन बाई टू तो अगर b की वैल्यू इतनी आ जाएगी तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री बाई टू तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस प्रॉब्लम तो a की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू देखो और b की वैल्यू माइनस वन बाई टू और सी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों वन बाई टू तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉब्लम का जो सही सलूशन है वो अपना ये वाला ऑप्शन बन जाता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अपना बहुत ख्याल रखो मोटिवेटेड हो थैंक यू बाय बाय टेक केयर